वेलकम बैक टू माय चैनल रिजवाना ज्वल और मैं हूँ रिजवाना सुमरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी एंड टेस्टी दाल तड़का की रेसिपी। हम सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दाल तड़का जरूर ऑर्डर करते हैं और घर पे बनाने की कोशिश करते हैं, बट रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आता। सो डोंट वरी, आई एम हियर विथ माई सीक्रेट दाल तड़का रेसिपी। दाल तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कप मसूर की दाल और हाफ कप अरहर की दाल। यहाँ पर दाल का रेशियो मैंने लिया है 1:1। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप हिसाब से अपना मेजरमेंट ज्यादा ले लीजिएगा। अब हम इन दोनों दालों को अच्छे से पानी से धो लेंगे और प्रेशर कुकर में दाल के साथ मैंने डाला है 2 कप पानी, हल्दी एंड नमक डाल के 2 विसल लगा लेनी है। अब हमें तड़के के लिए यहाँ पर चाहिए 1 मीडियम साइज अनियन फाइनली चॉप, 1 मीडियम साइज टोमेटो फाइनली चॉप, 2 टेबल स्पून फाइनली चॉप गार्लिक, 1 ग्रीन चिली फाइनली चॉप, 1 इंच जिंजर ग्रेटेड, 1 ड्राई रेड चिली, कड़ी पत्ता, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया, मसाले में रेड चिली पाउडर, जीरा, सॉल्ट, हींग और गरम मसाला। दाल के तड़के के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून हींग। जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे 1 ड्राई रेड चिली एंड कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून फाइनली चॉप गार्लिक। गार्लिक को हमें अच्छे से सोते करना है जब तक इसमें हल्का सा कलर आ जाए। गार्लिक यहाँ पर अच्छे से सोते हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 फाइनली चॉप अनियन। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज अनियन लिया था। अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अनियन को हमें लाइट ब्राउन होने तक भुनना है और इसकी जल्दी प्रोसेस होने के लिए हम इसको ढक्कन से ढक देंगे और बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। मैंने अनियन को लाइट ब्राउन होने तक भुन लिया है और अनियन हमारी रेडी हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप किए टमाटो। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज टमाटो लिया था और टमाटो डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। यहाँ पर नमक हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमने दाल उबालते वक्त भी डाला था, तो इसके लिए नमक ध्यान से डालना। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और वापस से ढक्कन डाल के इसको ढक देंगे। यहाँ पर टमाटर 1/2 कुक हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फाइनल चॉप 1 ग्रीन चिली एंड ग्रेटेड जिंजर। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस से हम ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक पकने देंगे। टोमेटो और अनियन का तड़का अच्छे से सोते होके रेडी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम बॉईल की गई दाल। दाल डाल के हमें इसको मसाले के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है और यहाँ पर हमें चेक करना है कि दाल की कंसिस्टेंसी कैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर दूंगी और हम इसे 2 मिनट तक उबाल लेंगे। हमारी दाल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे। ये स्टेज पर इस दाल को बोलते हैं दाल फ्राई। अगर आप तड़का नहीं डालना चाहते तो ऐसे भी खा सकते हैं। दाल रेडी होने के बाद हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और हमें तैयार करना है नेक्स्ट तड़का। उसके लिए हम कोई भी फ्राइंग पैन या तो तड़के का पैन ले लेंगे। उसमें डालें 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून फाइनली चॉप गार्लिक। गार्लिक को हमें अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक सोते करना है। गार्लिक में अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसमें हमें डालना है 1/2 टीस्पून देगी मिर्च। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो आप कोई भी मिर्च हो वो ले सकते हो। हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम इसे दाल के ऊपर डाल के सर्व करेंगे। तो ये हमारी दाल तड़का बनके रेडी हो चुकी है। ये थी मेरी इजी एंड टेस्टी दाल तड़का की रेसिपी। आप भी अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।